30 भी नहीं, इनफैक्ट 20 रुपए एक्स्ट्रा पड़े और जो है वो उतर गए राइड से, गाड़ी से, कहते नहीं जी नहीं हमें 270 शो हो रहे थे, आपने 20 क्यों किया। मैंने कहा आपका वेटिंग टाइम पड़ा 20 रुपए का, तो क्यों ना आपको एक नाच सुना दी जाए। तो सारे जग नालो लग दिया चंगिया मदीने दिया पाक गलिया। और आपको जो है आज की अर्निंग दिखा देते हैं इंड्राइव की, आज हमने कितनी अर्निंग की। Assalamualaikum guys, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, और जहां होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। वेलकम टू द स्ट्रगलर व्लॉग। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वेलकम टू द स्ट्रगलर तैयब एंड अनदर व्लॉग ऑफ इंड्राइव अर्निंग्स इन लाहौर। आज दिन है जी थर्सडे का, निकल आए हैं जी हम अपने अगेन व्लॉगिंग की तरफ आपको अर्निंग दिखाने। सीन ये है कि यार थोड़ा सा जो ना पिछले दिनों बिजी हो गया था, तो इसलिए जो है डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाया, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन तो व्लॉग आता ही है मेरा, तो उस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह अब से जो है रेगुलर व्लॉग्स भी आएंगे और जो है रेगुलर आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे कि क्या इंड्राइव के हालात हैं लाहौर में फिल। और जो है मौसम भी लाहौर का फिलहाल काफी अच्छा है, हवा नहीं है और बादल भी हैं, तो यानी कि एक तरह से गर्मी भी नहीं है इतनी, लेकिन पसीना वगैरह फिर भी आ रहा है। तो खैर एनीवेज एज ऑलवेज फ्यूल स्टेशन पे चलते हैं, डलवाते हैं फ्यूल, देन जो है आपको मिलते हैं उसके बाद इंशाल्लाह किसी राइड के साथ या यंगो वगैरह को ऑन करके। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूल वगैरह तो डलवा लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे 10-20 मिनट लगे मेरा एक काम था वो करने में, लेकिन जो आज काम थोड़ा स्लो है। तकरीबन अभी 5 का टाइम हो गया और मैं 4:15 बजे तकरीबन निकला था, 20 मिनट वो निकाल दो, बकाया टाइम जो है इधर ही गुजर गया है। राइड है भी लेकिन जो है ना एक्सेप्ट नहीं हो रही, यंगो को भी ऑन किया हुआ है, इसको भी यंगो पे अभी 0 राइड है, कोई राइड नहीं आई, और इन ड्राइव पे तो कोई राइड एक्सेप्ट हो नहीं रही। तो अभी जो गाड़ी के अंदर इंतहा की गर्मी है, बाहर ठंडी हवा चल रही है, अभी गाड़ी के अंदर की गर्मी की इंतहा आपको मेरे पसीने से पता चल रही होगी। हालांकि ब्लोअर भी मैंने फुल तेज किया हुआ है, एसी तो खैर चला नहीं सकते अब, ब्लोअर चलाया हुआ है लेकिन फिर भी पसीना नहीं रुक रहा। तो अभी देखते हैं कोई साफ सी जगह देख के गाड़ी से बाहर निकल के वेट करते हैं अपनी राइड का, और इंशाल्लाह जैसे कोई राइड आती है तो आपको मिलते हैं राइड के साथ। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमें फर्स्ट राइड मिल गई है इन ड्राइव पर, और ये राइड है जी आपके सामने 780 रुपए में, राइड ऐसी है इनको जी कायदे आजम रियल स्टेट सोसाइटी है कुछ करके, ये फाटक वाली साइड पे, वहां से इनको उठाना है और जो है इनको पैकेजेस मॉल के बिल्कुल साथ ड्रॉप करना है। तकरीबन 8 किलोमीटर की ये राइड है और इनकी जो है पिकअप थोड़ी दूर है, तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की पिकअप है, राइड मिल नहीं रही थी, फिर मैंने जो है ना इन्हीं को हाई फेयर दिया, इन्होंने ओके कर ली। तो इंशाल्लाह अभी जो है मेरा ये एक दोस्त आ गया उसे मिलते हैं, तो देन जो है आपसे अगली राइड इन कस्टमर को ड्रॉप करके अगली राइड के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। ये तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये राइड को उतार दिया, अभी जो है अपनी अगली राइड का वेट करते हैं। ये देख लें अभी जो यहाँ से जो है ना ज्यादातर हमें पैकेजेस की राइड्स आएंगी, क्योंकि इस टाइम जो है हम बिल्कुल पैकेजेस के साथ आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तो मुझे अभी कोई पैकेजेस की राइड भी नहीं नजर आ रही। ये कहाँ की है जी, इसके साथ बोनस भी है राइड के, 4 किलोमीटर की राइड है, इन्होंने कैवलरी ग्राउंड की तरफ जाना है, तो 500 बोलते हैं इसको, चेक करते हैं क्या 500 में ये राइड आएगी हमारे पास। तो अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला भाई का नाम है, हमने जी ऑफर करवा दिया तो अब्दुल्ला साहब ने डिक्लाइन कर दी यार पहले ही। तो खैर एनीवेज वेट कर रहे हैं, अभी करते हैं यंगो को भी ऑन, अभी यंगो का ये सीन ना हो के वो हमें पैकेजेस के अंदर से राइड दे दे। तो पैकेजेस के अंदर की राइड का इसलिए डर हो रहा है क्योंकि एंट्री फी जो है हमारी 100 रुपीज है, अगर अंदर से कोई राइड आएगी तो फिर हमें पल्ले से ही 100 रुपीज भी उसका देना पड़ेगा, तो वो सीन बैड हो जाएगा। तो वेट करते हैं अपनी अगली राइड का, इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अपनी अगली राइड के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हमें अपनी अगली राइड मिल गई है, लेकिन अगली राइड हमें मिली है यंगो पर, ये आप देख सकते हैं जी यंगो पर हमें ये वाली राइड आई है जी, इनको ये 950 मीटर ही इनकी पिकअप है, वहां से पिक करना है, और जो है आगे क्या लोकेशन आ रही है जी, प्रोविंस ऑफ पंजाब लाहौर मदीना कलोनी स्ट्रीट 4, तो ये मदीना कलोनी की राइड होने जा रही है। अब वहां पे जाके फंस ना जाए यार हम, वहां पे सबसे ज्यादा जो है ना ग्लिच है राइड्स का,
बंदा कस्टमर कहाँ होता है और हम कहाँ होते हैं, तो लोग वहाँ से राइड्स आ रही होती हैं। यार एनीवेज चलते हैं, देखते हैं इनको पिक करके करते हैं ड्रॉप, शायद कोई और मदीना कुलूमी हो, अल्लाह करे। तो देन आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो गाइज यहाँ पे जो है आप वॉल्टन रोड का जो है हालात देख सकते हो, गंदे नाले का सारा गंद बाहर आ गया है, साइड पे ब्रिज बन रही है, तो पूरे जो वॉल्टन रोड का सत्यानाश कर दिया गया है यार। तो इसको काफ़ी टाइम हो गया है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये बन नहीं पाया, तो दुआ करें कि ये जल्दी जल्दी बन जाए। तो गाइज अभी सीन ये है कि ये राइड यांगो की कैंसिल हो चुकी है। इसका एक बड़ा मजे का ट्विस्ट है, मैं आया हूँ कस्टमर की लोकेशन पे, 3 मिनट यांगो का वेटिंग टाइम होता है वो गुजर गया, उसके बाद जी 2.5 मिनट जो है तकरीबन मेरा वेटिंग टाइम लगा, कस्टमर आके बैठे गाड़ी में, बच्चे संभाल रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक है, तो बैठने में उन्होंने 2.5 मिनट लगा दिए। अब वो जब बैठे हैं मुझसे पूछ रहे हैं, कहते हैं कि कितने पैसे हो गए आपकी राइड के। मैंने कहा ये जो मैं राइड स्टार्ट करूंगा गाड़ी चलेगी तब पता चलेगा, तो कहते नहीं अभी बताओ अभी, ताकि हमें जो पहले पता चल जाए। मैंने कहा ठीक है, मैंने राइड स्टार्ट की तो 270 रुपए की राइड थी और जो है उनको 290 रुपीज पड़ने थे, 30 भी नहीं, इनफैक्ट 20 रुपए एक्स्ट्रा पड़े, और जो है वो उतर गए राइड से गाड़ी से, कहते नहीं जी नहीं हमें 270 शो हो रहे थे, आपने 20 क्यों किया। मैंने कहा आपका वेटिंग टाइम पड़ा 20 रुपए का, तो कहते नहीं हमें जो है हम रिक्शे में चले जाएंगे, हमने जाना ही नहीं है गाड़ी में। तो इस कदर जो है लोग 10-20 रुपए के पीछे जो है अपना ईमान वेजन, मैं कितनी दूर से आया, मैं इधर आके कितना वेट किया, क्या मेरा वो टाइम फ्री था, मेरा वो फ्यूल फ्री था। मैंने उन्हें कहा चले मैं आया हूँ, मेरे उसके पैसे दें मुझे, कहते वो भी नहीं हमने देने, आप जाएं हमने नहीं देने। आंटियां थी थोड़ी सी बड़ी बदतमीज थी, और साथ अच्छी भली लड़कियां भी थी, जवान पढ़ी लिखी पढ़े लिखे लोग, लड़का जिसने राइड करवाई है वो जो है मतलब देख रहा है, फिर भी जो है उन्होंने ये हरकत की। अल्लाह जाने इन लोगों को, ऐसे लोगों को क्या होता है कि 10-20 के पीछे अगले बंदे को जलील कर देते हैं। तो खैर ऐसे लोगों की ऐसी राइड्स के बारे में ज्यादा माइंड में नहीं लेते, इंसान ज्यादा हाइपर होता रहता है। हम वेट करते हैं अपनी अगली राइड का, अभी जो गर्मी लगना शुरू हो गई है मुझे गाड़ी में, वेट करते हैं जी अपनी अगली राइड का, लेते हैं अपनी अगली राइड, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली राइड के साथ। तो गाइस मैं यहीं पे ही खड़ा हूँ अभी, जहाँ पे अभी लास्ट क्लिप की है वहीं पे मुझे जो है ना बिल्कुल साथ से यांगो की ये वाली राइड आ गई है। अच्छा इनको बिल्कुल यही इनका कोई घर है मेरे ख्याल में, ये गेट जो पीछे नजर आ रहा है यहीं से उठाना है, और लारी अड्डे की ये राइड है, अभी इनका फेयर शो नहीं हो रहा, तो अभी जी इनका टाइम पूरा लेने दें, कस्टमर को करते हैं फिर देन कॉल, फिर देन उनसे पूछते हैं कि वो कितनी देर में आ रहे हैं बाहर, देन जो इनको ड्रॉप करके आपको बताएंगे कितना इनका कितना फेयर था और कितने की ये राइड बनी। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस ये राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया और इनका जो फेयर बना है 740। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, मैं लारी अड्डे पे आ गया हूँ और मौसम चेक करें यार कितना मजे का आसमान नजर आ रहा है। मोबाइल में ज्यादा लाइट नजर आ रही है लेकिन बाहर जो ऑलमोस्ट रात हो चुकी है। तो खैर एनीवेज इनको ड्रॉप कर दिया है, अभी देखते हैं जी अपनी अगली राइड इंशाल्लाह और मिलते हैं आपसे अगली राइड के साथ। गाइस फाइनली जो आफ्टर वेटिंग फॉर 20-15 मिनट्स हमें जो है अपनी अगली राइड मिल चुकी है इन ड्राइव पर। ये है जी हमारी अगली राइड, राइड ऐसी है 680 रुपए में, इनको जी स्ट्रीट नंबर 8 से उठाना है गंज मोहल्ला और इनको शादमान ड्रॉप करना है। अभी ये जो राइड है ये तकरीबन है हमारी कोई 6-7 किलोमीटर की ये टोटल राइड है, इनको करते हैं ड्रॉप देन मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी गाइज हमें अपनी अगली राइड मिल गई है इन ड्राइव पे, अगेन राइड ऐसी है, ये चेक कर लें जी इनको, ये बिल्कुल साथ ही शादमान वाली जगह से ही उठाना है, और जो है इनको कहाँ हमने ड्रॉप करना है, सरोबा गार्डन हाउसिंग सोसाइटी चुंगी अमर सिद्धू के बिल्कुल साथ, विनस सोसाइटी के बिल्कुल पास, जहाँ पे हमने अपनी लास्ट वीडियो में राइड ड्रॉप की थी। जा रहे हैं जी कस्टमर को पिक करने, इनको पिक करके करते हैं ड्रॉप देन मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी गाइस ये राइड को मैंने उतार दिया है और मैं काफी घर के पास आ गया हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो अभी घर ही चलते हैं, तो घर जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो क्यों ना आपको एक नाच सुना दी जाए, तो आपको ना सुनाता हूँ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आवाज कैसी है, अच्छी लगी या नहीं। सारे जग नालों लग दिया चंगिया, मदीने दिया पाक गलिया, मदीने दिया पाक गलिया, सारे जग नालों लग दिया चंगिया, मदीने दिया पाक गलिया,
मदीने दिया पाक गलियां, ए ना गलियां तो तन मन वारिए, करिए सजदे ते शुक्र गुजारिए, ए ना गलियां तो तन मन वारिए, करिए सजदे ते शुक्र गुजारिए, ते नूर दिया सुचिया ने ठलिया, मदीने दिया पाक गलियां, मदीने दिया पाक गलियां, ते नूर दिया सुचिया ने ठलिया, मदीने दिया पाक गलियां, मदीने दिया पाक गलियां। अल्हम्दुलिल्लाह गाइज, मैं आ चुका हूँ घर और आपको जो है आज की अर्निंग दिखा देते हैं इंड्राइव की, कि आज हमने कितनी अर्निंग की। हमारे वर्किंग आवर्स से पांच बजे तकरीबन हमें फर्स्ट राइड मिली थी और 10 बजे से पहले ही हम घर आ गए थे, तो हम 5 आवर्स ही काउंट करेंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं हमारी आज की कितनी अर्निंग हुई, कितना फ्यूल लगा, तो सब कुछ चलते हैं स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो गाइज ये आ चुके हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर और जो है आपको दिखा देते हैं, ये हमारी एंड्रॉइड की अर्निंग है। ये कमीशन निकाल के अर्निंग बता रहा हूँ, विद कमीशन जो है वो 2300 समथिंग थी, तो उसकी मैंने कमीशन निकाल दी। और ये है हमारी येंगो की एक राइड 876 रुपीज़ की, इस पर बोनस मिला था इसलिए इतनी चली गई, वरना वो 700 समथिंग की वो राइड थी। ठीक है, तो ये दोनों राइड्स होगी। अब ये दोनों कितने की बनती है, 2936 रुपये। ठीक है, तो अभी इसमें से जब हमारा फ्यूल लगा वो माइनस करते हैं, जी हमारा 1300 का फ्यूल लगा, 1300 का फ्यूल तो 1636 रुपये जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज की अर्निंग है 5 आवर्स में इंड्राइव पर। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।